लाहौर में इस वक्त 73 लाख गाड़ियां मोटरसाइकिलें जो है वो इस वक्त रजिस्टर्ड है, लेकिन सिर्फ 13 लाख लोगों के पास लाइसेंस है। यानी कि अगर 73 में से अगर 13 लाख हम माइनस करते तो 60 लाख लोगों के पास इस वक्त मौत का लाइसेंस है और 13 लाख लोगों के पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और तश्वीशनाक बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ दिन पहले लाहौर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया, हादसा, एक्सीडेंट का जो वाकया है वो रिपोर्ट हुआ और आप सब लोगों ने अब तक वो वीडियोस जो है वो देख ली होंगी। और इसको अफसोसनाक हादसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मीडिया में अपेयर हुआ, रिपोर्ट हुआ और लाहौर एक बड़ा शहर है, लाहौर एक तरक्याती शहर है। हर सियासी जमात की जब भी कोई हुकूमत आती है तो उनकी नज़रें लाहौर के ऊपर रहती है, तो इसलिए ये वाकया आपको एक बहुत बड़ा वाकया देखने में लग रहा है। इससे पहले अगर हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर देहातों में और वो इलाके जहाँ पर तरक्याती काम नहीं होते, जहाँ पर मीडिया की कोई ख़ास नज़र नहीं होती, मीडिया उधर के मामलों को रिपोर्ट नहीं करता, वहाँ पर ऐसे वाकयात आपको दिन ब दिन देखने को हर रोज़ तकरीबन आपको देखने को मिलते हैं कि एक ही कार हादसे में या मोटरसाइकिल के हादसे में या रक्शे के हादसे में या बस या ट्रक के हादसे में आपको देखने को मिलेगा कि 4 से 5 लोगों की जो है जान उसमें चली जाती है। बहरहाल ये वाकया रिपोर्ट हुआ और आपने देखा कि शायद जो बच्चा है उसके वालिद किसी ताकतवर इदारे से ताल्लुक रखते हैं या बहुत ही कोई कानून से ऊपर की चीज़ कोई बला है कि अभी तक पाकिस्तान का मीडिया उसका नाम तक नहीं निकाल पाया, उसका नाम तक नहीं ले पा रहा, कोई बता नहीं रहा कि उसके वालिद क्या कर रहे हैं। बहरहाल अदालत में ये केस चल रहा है, इस मुकदमे के अंदर इस केस में जो है दहशतगर्दी की दफात भी लगा दी गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अदालत की जानिब से कम कोई तो कोशिश की गई, कोई तो इदारा ऐसा है कि जो ऐसे बड़े जागीरदारों को, बड़े अफसरों को जो पाकिस्तान के कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं, उनको कोई तो हाथ लगाने वाला, उनको कोई लगाम देने वाला कोई शख्स तो पाकिस्तान में बड़े नाम तो मौजूद है। बहरहाल आज लाहौर हाईकोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए और कुछ हुक्म जारी किए हैं कि जो बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल, गाड़ी या किसी भी किस्म की कोई सवारी चलाएगा उसके ऊपर बाकायदा FIR की जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा केस होगा। अब तक जो सूरत हाल सामने आई है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की जानिब से जो अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है, तकरीबन 1000 के करीब लोगों के ऊपर जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे थे उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2018 में अदालत की जानिब से एक हुक्म जारी किया गया था या रिमार्क्स दिए गए थे कि एक्साइज तब तक उस शख्स को नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन या कागजात जारी नहीं करेगा जब तक वो शख्स जिसने गाड़ी खरीदी है या गाड़ी रजिस्टर करवा रहा है उसके पास लाइसेंस मौजूद ना हो। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ अरसे तक अमल होता रहा, उसके बाद अदालत के अहकामात को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया। हम देखते हैं कि अब इस अहकामात के साथ इदारे, महकमे, एक्साइज के अंदर बैठे हुए लोग क्या करते हैं। CTO ट्रैफिक की जानिब से एक और जो रिपोर्ट है अदालत में पेश की गई है, उसमें बताया गया कि लाहौर में इस वक्त 73 लाख गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जो है वो इस वक्त रजिस्टर्ड है, लेकिन सिर्फ 13 लाख लोगों के पास लाइसेंस है। यानी कि अगर 73 में से अगर 13 लाख हम माइनस करते तो 60 लाख लोगों के पास इस वक्त मौत का लाइसेंस है और 13 लाख लोगों के पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और तश्वीशनाक बात है, जिस पर अदालत ने बाकायदा तौर पर गुस्से का इजहार भी किया। और ये सारी सूरत हाल जांचने के बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर जो इस केस में थे, जो डिफेंस में वाकया पेश आया, 6 लोगों की जान उसमें गई है, उस पर अदालत ने जो है रिपोर्ट भी मांगी। अदालत ने पूछा है कि आपने इस मुकदमे में क्या किया, जिसमें यह बताया गया तफ्तीशी अफसर की जानिब से कि हमने इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी लगा दी है। तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी अपडेट है। अदालत के अंदर पुलिस की जानिब से यह भी बताया गया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं कि लड़के के वालिद, जो बच्चा गिरफ्तार है उसके वालिद को हम गिरफ्तार कर सके। उनके वालिद अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। ये शख्स गिरफ्तार होता है नहीं होता, इन लोगों के जो जान जानी तो वो जा चुकी है, लेकिन आइंदा के लिए अगर कोई सॉलिड प्रोग्राम, सॉलिड प्लान बनाया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से, लाहौर पुलिस की जानिब से, तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती है और बहुत से इदारे जो हाथ साफ कर रहे हैं लाइसेंस बनवाने में या एक्साइज है उनके जो काम है वो खराब हो सके। देखते हैं माफिया या इदारों में बैठे हुए जो
अफसर है वो ताकतवर साबित होते हैं या अदालत का हुक्म जो है आईने पाकिस्तान जो है वो ताकतवर साबित होगा, कुछ ही दिनों में आपको पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। और अगर आप बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ भी चला रहे तो आपको अब ना सिर्फ चलान होगा बल्कि आपको गिरफ्तार करके आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।